बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू लेक्चर नंबर 18 ऑफ एमटीएच 322 रियल एनालिसिस 2। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है द अलजेब्रिक कंप्लीटनेस ऑफ कॉम्प्लेक्स फील्ड। ये आज के लेक्चर की रेफरेंस बुक्स। डियर स्टूडेंट्स, अब अलजेब्रिक कंप्लीटनेस ऑफ कॉम्प्लेक्स फील्ड क्या है और इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स कौन से हैं, वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम एक नज़र डालते हैं प्रीवियस लेक्चर्स के रिव्यू पे एंड देन हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल दैट लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन किया था ई ऑफ जेड बाय पावर सीरीज समेशन एन वेरीज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी जेड पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल। अब इसकी जो मेजर प्रॉपर्टीज थी वो कुछ इस तरह से थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ई ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स, हेयर एक्स इज रियल। सेकेंड प्रॉपर्टी, ई ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफ्रेंशिएबल फॉर ऑल एक्स विद डी बाई डी एक्स ऑफ ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स। थर्ड प्रॉपर्टी, ई ऑफ एक्स विच इज इनफैक्ट ई पावर एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी थी कि ई पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स इंटू ई पावर वाई। फिफ्थ प्रॉपर्टी, ई पावर एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एज एक्स टेंड टू इन्फिनिटी एंड ई पावर एक्स अप्रोचेस टू जीरो एज एक्स टेंड टू माइनस इन्फिनिटी। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की जो लास्ट लेक्चर में हमने डिराइव की। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में जो एक इम्पॉर्टेंट रिमार्क हमने डिस्कस किया था वो ये था, एज ई पावर एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिफरेंशिएबल। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जो फंक्शंस होते हैं ये क्योंकि वन वन और ऑन टू होते हैं और ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शंस भी है, सो ई पावर एक्स इज इन्वर्टिबल। अब ई पावर एक्स का जो हमने इनवर्स डिफाइन किया था वो कुछ इस तरह से किया था कि डिफाइन एल ऑफ ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। इस इक्वेशन को जब हमने डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो एल डैश ऑफ ई ऑफ एक्स इनटू ई डैश ऑफ एक्स बाय चेन रूल ये वन के इक्वल आ गया। तो यहां से एल डैश ऑफ ई ऑफ एक्स इनफैक्ट वन ओवर ई ऑफ एक्स के इक्वल आया था बिकॉज e डैश ऑफ x e पावर x के इक्वल है। आल्सो वी पॉइंट आउट दैट l ऑफ e ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो एंड e of 0 is 1, so l of 1 is equal to 0. Therefore,
एल ऑफ वाई जो हमने फंक्शन डिफाइन किया था ये इंटीग्रल 1 टू वाई डी यू ओवर यू था, और एल ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 टू एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स था. एल इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ई एंड इज लॉगरिथमिक फंक्शन. डियर स्टूडेंट्स, यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. अब आज के लेक्चर में सबसे पहले हम एल फंक्शंस की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, दैट इज लॉगरिथमिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जैसे हमने पहले बताया कि अलजेब्रिक कंप्लीटनेस ऑफ कॉम्प्लेक्स फील्ड का टॉपिक डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस की. सो वी स्टेट ए थ्योरम. फर्स्ट पार्ट, फॉर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो वाई इज ग्रेटर देन जीरो log of xy is equal to log of x plus log of y. That is, log function इस property को satisfy करता है. Second property, log of x is differentiable and d by dx of log of x is equal to 1 over x. Third property, log x is strictly increasing function, and fourth part is log of x tends to infinity as x tends to infinity and log of x tends to minus infinity as x tends to zero from positive side. क्योंकि हमने कहा था कि log function basically inverse function है e power x का, so जो log functions की domain है वो zero to infinity है. तो यहां पे हम हाईलाइट कर देते हैं, डोमेन ऑफ लॉग एक्स इज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी. लिहाजा जो हम लॉग एक्स को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करेंगे वो जीरो टू इन्फिनिटी में इसको प्रूव करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं. फर्स्ट पार्ट, by definition of log x y is equal to integral 1 to x y du divided by u. अब नोट करें कि इसको अगर हम किसी पॉइंट x पे ब्रेक कर लें, सो दिस इज डी यू डिवाइडेड बाई यू प्लस इंटीग्रल x टू x y डी यू डिवाइडेड बाई यू. ऑब्जर्व दैट के रीमान इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रल ए टू बी एफ इक्वल टू इंटीग्रल ए टू सी एफ प्लस इंटीग्रल सी टू बी एफ. सो हमने इस प्रॉपर्टी को यूज किया और 1 टू एक्स वाई जो है इसको ब्रेक कर लिया, 1 टू एक्स देन एक्स टू एक्स वाई. दिस इंप्लाइज लॉग ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म जो है राइट हैंड साइड की वो क्लियरली लॉग ऑफ एक्स है, सो हम इसको लॉग ऑफ एक्स लिख लेते हैं प्लस इंटीग्रल एक्स टू एक्स वाई डी यू डिवाइडेड बाय यू. दिस इज इनफैक्ट अवर इक्वेशन नंबर 1. डियर स्टूडेंट, अब टारगेट को नोट करें तो हमने लॉग एक्स वाई को इक्वल शो करना है लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई के. तो इसके लिए लॉग ऑफ एक्स राइट साइड पे फर्स्ट टर्म होनी चाहिए, वो
बन चुकी है। अब इनफैक्ट इसको हमने सिंप्लीफाई करना है कि ये log ऑफ y के इक्वल आए। सो वी सॉल्व इंटीग्रल x टू एक्स वाई डी यू डिवाइडेड बाई यू। पुट एक्स टी इज इक्वल टू यू। सपोज अगर हम ये सब्स्टिट्यूशन लेते हैं एक्स टी इज इक्वल टू यू, दिस इंप्लाइज टी इज इक्वल टू यू बाय एक्स एंड दिस इंप्लाइज डी टी इज इक्वल टू डी यू डिवाइडेड बाय एक्स। अब इस न्यू वेरिएबल में लिमिट ऑफ इंटीग्रेशंस क्या होंगी? इफ u इज इक्वल टू एक्स देन t इज इक्वल टू वन। नोट करें कि इस टर्म में अगर हम u को x सब्स्टिट्यूट करते हैं तो t की वैल्यू वन आ जाती है। एंड इफ u इज इक्वल टू एक्स वाई देन व्हाट इज t? आप नोट करें कि अगर u को एक्स वाई पुट करेंगे तो t की वैल्यू y के इक्वल आएगी। देयरफॉर इंटीग्रल x टू एक्स वाई डी यू डिवाइडेड बाई यू इज इक्वल टू इंटीग्रल, अब लोअर लिमिट न्यू वेरिएबल में वन है, अपर लिमिट वाई है और यू को आपने सब्स्टिट्यूट किया हुआ है एक्स टी और डी यू की वैल्यू आती है हमारे पास इनफैक्ट एक्स डी टी। तो एक्स एक्स से कैंसल आउट, सो दिस इज वन टू वाई डी टी डिवाइडेड बाई टी which is clearly log of y. put in one therefore log of xy is equal to log of x plus log of y. to ye first result tha logarithmic functions ka, that is log of x y is equal to log of x plus log of y. dear students, इस theorem में second part में हमने prove करना है कि log x is differentiable and d by dx of log x is equal to 1 by x. second part already done. since L of y equal है 1 over y के, this implies L dash of x equal to 1 over x और this implies d by dx. अब L function logarithmic function था, so log of x is equal to 1 over x. ये just हम already prove कर चुके हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स होता है। डियर स्टूडेंट, इस थ्योरम के थर्ड पार्ट में हमने शो करना है कि लॉग एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन 0 टू इन्फिनिटी। सो थर्ड पार्ट टू प्रूव लॉग एक्स इज स्ट्रिक्टली increasing on 0 to infinity. अब जो increasing function prove करने का standard criteria है हम वही follow करते हैं। so let 0 is less than x1 less than x2. consider log of x2 minus log of x1. this is equal to by definition log of x2 is 1 to x2 du divided by u minus integral 1 to x1 du over u. again logarithmic functions ki definition use ki, so this is 1 to x2 du over u plus इंटीग्रल एक्स वन टू वन डी यू डिवाइडेड बाई यू। अगेन हमने एक प्रॉपर्टी यूज की इंटीग्रेशन की,
that is a to b f equal to negative of integral b to a f. So हम इन दोनों इंटीग्रल्स को कंबाइन करें तो हमारे पास इंटीग्रल आएगा x1 टू x2 du डिवाइडेड बाय u विच इज क्लियरली ग्रेटर देन जीरो. दिस इंप्लाइज log ऑफ x2 माइनस log ऑफ x1 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू जीरो इन्फिनिटी एंड दिस इंप्लाइज log ऑफ x1 इज लेस देन log ऑफ x2. सो x1 लेस देन x2 इंप्लाइज log of x1 is less than log of x2 and this implies log x is strictly increasing on 0 to infinity. Dear students, ये log x को strictly increasing हमने prove किया है from 0 to infinity. अब इसको आप इस तरह भी देख सकते थे एज log ऑफ x इक्वल टू इंटीग्रल 1 टू x डी यू बाय u. दिस इंप्लाइज d बाय डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल टू 1 ओवर x विच इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 इन्फिनिटी. अब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव हो तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है. अब ये डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है तो लॉग एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी. दिस इंप्लाइज लॉग एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन जीरो टू इन्फिनिटी. तो ये इसका अल्टरनेट प्रूफ था. फर्स्ट प्रूफ हमने बाय डेफिनेशन देखा एंड सेकेंड प्रूफ हमने बाय रिजल्ट फ्रॉम रियल एनालिसिस वन, दैट इज अगर किसी इंटरवल में किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है इन दैट इंटरवल. डियर स्टूडेंट्स, अब इस थ्योरम के लास्ट पार्ट में हमने शो ये करना है कि लॉग एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करता है एज एक्स टेंड टू इन्फिनिटी. So fourth part, to prove log x tends to infinity as x tends to infinity. For this, consider integral 1 to n du divided by u. Here n is positive integer. So this is equal to, अब नोट करें कि जो हमारे पास 1 टू n है, n इज पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज n इज नेचुरल नंबर. इस टोटल इंटरवल 1 टू n को हम डिवाइड कर सकते हैं 1 टू 2, 2 टू 3, 3 टू 4, अप टू सो ऑन n माइनस 1 टू n. सो दिस इज इक्वल टू 1 टू 2 डी यू ओवर यू प्लस इंटीग्रल 2 टू 3 डी यू डिवाइडेड बाई यू प्लस इंटीग्रल 3 टू 4 डी यू डिवाइडेड बाई यू प्लस सो ऑन प्लस इंटीग्रल एन माइनस 1 टू एन डी यू डिवाइडेड बाई यू. एंड दिस इज ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1 ओवर n. And this implies integral 1 to n du over u is greater than summation 1 over k. Where k varies from 2 to n. And this implies when n tend to infinity, this series on right hand side is divergent, that is summation k varies from 2 to n
वन आवर के इज अनबाउंडेड एंड दिस इंप्लाइज इंटीग्रल वन टू एक्स डी यू डिवाइडेड बाय यू विद लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी टेंड्स टू इन्फिनिटी दैट इज log of x tends to infinity as x tends to infinity. Dear students, ये fourth part का proof revisit करते हैं. हमने show ये करना था कि log x infinity को approach करता है as x approaches to infinity. इसके लिए हमने सबसे पहले 1 to infinity क्योंकि हमने deal करना है तो हमने 1 to n consider किया और इसको sub intervals में divide कर लिया. अब इन सब इंटरवल्स में जब डिवाइड किया तो हमारे पास ये इजीली हम देख सकते हैं कि फर्स्ट इंटीग्रल इज ग्रेटर देन 1/2, सेकंड इज 1/3 अप टू सो ऑन 1/n. सो 1 to n डी यू ओवर यू इज ग्रेटर देन दिस समेशन. अब राइट हैंड साइड की सीरीज जो है ये एक डाइवर्जेंट सीरीज है. सो व्हेन n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये इंटीग्रल भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा. सो आप थ्रू नेचुरल नंबर अप्रोच करें या लिमिटिंग प्रोसेस में थ्रू रियल नंबर अप्रोच करें, दोनों केसेस में एन एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो लॉग भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा. अब इसी का सेकंड पार्ट है टू प्रूव लॉग एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी एज एक्स टेंड टू zero from positive side. As log of 1 by x, this is in fact negative of log x. So clearly, as x tend to 0 from positive side, log of x tend to minus infinity. डियर स्टूडेंट्स, ये थी लॉगरिथमिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज. यहाँ तक जस्ट आप ऑब्जर्व करें कि प्रीवियस लेक्चर से कनेक्टेड काम था हमारा. लास्ट लेक्चर में हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लोर की थी और आज के लेक्चर में हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का इनवर्स दैट इज नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन जो है उसको डिफाइन किया और उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की. डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, इनफैक्ट आज हम जो मेन थ्योरम टैकल करेंगे वो है अलजेब्रिक कंप्लीटनेस ऑफ कॉम्प्लेक्स फील्ड. अब इनफैक्ट अलजेब्रिक कंप्लीटनेस ऑफ कॉम्प्लेक्स फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है और इससे रिलेटेड किस टाइप का थ्योरम हम डिस्कस करने जा रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स, नोट दैट If P of Z से एक पॉलिनोमियल है Z स्क्वायर प्लस 1, then P of Z equal to 0 at Z is equal to what? That is, हम इनफैक्ट 0 of that पॉलिनोमियल फाइंड करना चाहते हैं कि इस पॉलिनोमियल का 0 कौन सा नंबर होगा. तो आप ऑब्जर्व करें, अगर हम P ऑफ आयोटा फाइंड करें, आयोटा स्क्वायर प्लस 1, दिस इज माइनस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0, सो आयोटा इज ए 0 ऑफ P ऑफ जेड. तो ये सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल थी इन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, तो आपने इजीली जज कर लिया कि इसका जीरो क्या है. इसका अदर जीरो भी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं विच इज माइनस आयोटा. अब अगर एक मैं पॉलिनोमियल फंक्शन दूं एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड पावर से 99 प्लस 7 जेड क्यूब माइनस 2 एंड डिमांड करूं कि एफ ऑफ जेड फाइंड करें ऐसा z जो इसको जीरो कर दे, दैट इज जीरो ऑफ दैट फंक्शन. तो अब ये काम डिफिकल्ट है, इट सीम्स डिफिकल्ट. इनफैक्ट
ऐसे फंक्शन के जब हम जीरो फाइंड करना चाहें, ऑल्दो ये एक पॉलिनोमियल है, तो हम कोई ना कोई टेक्निक यूज करेंगे, बट यूजली आप जानते हैं कि जब ऑर्डर टू की पॉलिनोमियल हो तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेते हैं, ऑर्डर थ्री या उससे हायर में नॉर्मली हम सिंथेटिक डिविजन्स के थ्रू जीरोज अप्रोक्सीमेट करते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या इस फंक्शन का जीरो एग्जिस्ट भी करेगा या नहीं, बिकॉज आप रियल में भी देख सकते हैं कि बहुत से फंक्शन हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके रियल में रूट या जीरो एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन हैज नो जीरो इन आर। सो हम किसी भी फंक्शन के जीरो फाइंड करने से पहले अगर ये चेक कर लें कि इस फंक्शन के जीरोज एग्जिस्ट भी कर रहे हैं या नहीं, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। सो जो अलजेब्रिक कंप्लीटनेस ऑफ कॉम्प्लेक्स फील्ड का टॉपिक है, इसमें हम जो मेजर थ्योरम प्रूव करेंगे वो ये गारंटी देगा कि nth डिग्री की पॉलिनोमियल जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में डिफाइंड हो उनका एटलीस्ट वन जीरो मस्ट एग्जिस्ट करता है। सो मेन थ्योरम स्टेट करने से पहले कुछ रिजल्ट जो रेलिवेंट हैं यूज होने इस थ्योरम के प्रूव में वो मैं स्टेट करता हूं। सो लेमा वन इज इफ एफ इज ए कंटिन्यूस रियल फंक्शन डिफाइंड ऑन ए कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस एक्स एंड कैपिटल एम इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ पी पी बिलोंग्स टू एक्स एंड स्मॉल एम इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ एफ ऑफ पी पी बिलोंग्स टू एक्स देन देयर एग्जिस्ट पी क्यू बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एफ ऑफ पी इज इक्वल टू एम एंड एफ ऑफ क्यू इज इक्वल टू स्मॉल एम। डियर स्टूडेंट्स, अब इस लेमा को समझिएगा आप कि यहां पे हम क्लेम कर रहे हैं कि एफ एक कॉन्टिन्यूस रियल फंक्शन है, डिफाइंड है किसी कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस पे, और कैपिटल एम और स्मॉल एम इनफैक्ट इस फंक्शन के जो इमेजेस हैं अंडर दिस फंक्शन एक्स सेट के पॉइंट्स के जो इमेजेस हैं इमेजेस के सेट्स के सुप्रीमम और इन्फिमम है। तो हमें अगर ये डोमेन जो है ये कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस हो तो फिर इस बात की गारंटी है कि ये कैपिटल एम और स्मॉल एम नंबर जो हैं ये इसी सेट के किसी ना किसी पॉइंट का इमेज होंगे अंडर एफ। अब इस थ्योरम को हम रियल केस में देखें तो ये थ्योरम इस तरह बनता है कि फॉर एग्जांपल दिस इज ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स और ये एक ए बी क्लोज्ड इंटरवल है, ए बी क्लोज्ड है और बाउंडेड भी है, सो इज कॉम्पैक्ट। अब अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो तो रियल में ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने पढ़ा हुआ है कि जो कैपिटल एम है वो बेसिकली सुप्रीमम होगा अगर ये फंक्शन का, और स्मॉल एम जो है वो इन्फिमम है और वो सेट के किसी ना किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है। जैसे इस डायग्राम में कैपिटल एम एक्चुअली एफ ऑफ बी होगा और स्मॉल एम जो है वो एफ ऑफ ए के इक्वल होगा।
सो आप देखें कि सेट के ही पॉइंट्स हैं जिन पे सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट कर रहे हैं. फर्दर अगर ये फंक्शन सपोज कुछ इस टाइप का होता फ्रॉम ए टू बी, तो आप नोट करें कि इस पॉइंट पे कैपिटल एम आ जाता और इस पॉइंट पे स्मॉल एम आ जाता, क्योंकि ये कंटीन्यूअस फंक्शन है. लिहाजा इस थ्योरम की जनरलाइजेशन ये लेमा है, इफ एफ इज कंटीन्यूअस रियल फंक्शन डिफाइंड ऑन ए कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस एक्स एंड एम इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ पी, पी बिलोंग्स टू एक्स, स्मॉल एम इज द इन्फीमम ऑफ एफ ऑफ पी, पी बिलोंग्स टू एक्स, तो मस्ट सेट में ही पॉइंट मिलेंगे पी क्यू सच दैट कि इमेजेस ऑफ पी एंड क्यू अंडर एफ आर कैपिटल एम एंड स्मॉल एम. ये फर्स्ट रिजल्ट है जो हम अल्जेब्रिक कंप्लीटनेस ऑफ कॉम्प्लेक्स फील्ड में यूज करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड रिजल्ट जो हमने यूज करना है, लेट मी कॉल इट लेमा वन एंड देन दिस इज लेमा टू. इफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट जेड मॉड इज इक्वल टू वन, देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक T belongs to 0 to 2 pi such that e power iota t is equal to z. ये second result है जो हम इसमें use करेंगे. तो in fact ये theorem हमें बताता है कि हर complex number जिसका mod 1 हो उसके लिए हमें एक यूनिक टी मिलता है सच दैट ई पार आयोटा टी इज इक्वल टू जेड. अब हम मेन थ्योरम की तरफ आते हैं. दी अल्जेब्रिक कंप्लीटनेस ऑफ कॉम्प्लेक्स फील्ड. इसमें मेजर थ्योरम जो हम प्रूव करने जा रहे हैं वो कुछ इस तरह से है. इफ ए नॉट ए वन अप टू सो ऑन ए एन आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू वन एंड ए एन इज नॉन जीरो, then P of Z which is summation AK ZK K varies from 0 to N is 0 for some Z. आई होप कि आपको स्टेटमेंट क्लियर होगी होगी कि ए नॉट टू ए एन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, पी ऑफ जेड एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन है इन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल. पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन लेने की वजह से हमने एन पे रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि ये ग्रेटर आर इक्वल टू वन हो, दैट इज कॉन्स्टेंट टर्म ना हो, और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन होने के लिए एनथ कोफिशेंट नॉन जीरो होना चाहिए. तो हम क्लेम कर रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल का एटलीस्ट वन जीरो एग्जिस्ट करेगा जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा. डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, बिकॉज ये थ्योरम हमें गारंटी देगा कि हर कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल जो होती है उसका एटलीस्ट वन जीरो एग्जिस्ट करता है. अब इस थ्योरम को हम प्रूव करते हैं. गिवन P of Z is equal to A naught plus A one Z plus A two Z square plus up to so on plus A n Z n.
we assume an is equal to 1 and z mod is equal to say r. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ए एन को 1 लेंगे तो इससे इसकी जनरलिटी जो है डिस्टर्ब नहीं होगी. सो हम एज्यूम कर लेते हैं ए एन इक्वल टू 1. लेट म्यू इज इक्वल टू इनफिमम ऑफ पी ऑफ जेड मॉड. वेयर जेड मॉड इज इक्वल टू आर. अब हमने इनफिमम ऑफ पी ऑफ जेड को म्यू डिक्लेयर किया है. डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व दैट कंसीडर पी ऑफ जेड मॉड दिस इज इक्वल टू. अब क्योंकि हमने ए एन को 1 एज्यूम किया है सो दिस इज जेड पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 जेड पावर एन माइनस 1. इनफैक्ट हम डिसेंडिंग ऑर्डर्स में इसको रीअरेंज कर रहे हैं. ए वन जेड प्लस ए नॉट दिस इज इनफैक्ट ग्रेटर आर इक्वल टू जेड पावर एन मॉड माइनस ए एन माइनस 1 मॉड जेड पावर एन माइनस 1 मॉड माइनस एंड सो ऑन माइनस ए वन मॉड जेड मॉड माइनस ए नॉट मॉड बाय ट्राइंगल इनइक्वालिटी. डियर स्टूडेंट्स, हमने यहां पे ट्राइंगल इनइक्वालिटी यूज किया है. आई होप कि आपको ट्राइंगल इनइक्वालिटी का आइडिया है. जेड वन प्लस जेड टू मॉड this is in fact less or equal to z1 mod plus z2 mod and this is in fact greater or equal to z1 mod minus z2 mod whole mod. This is triangle inequality. अब dear students, यहाँ पे फिर complex numbers के results use करें कि z पावर एन मॉड इज इक्वल टू जेड मॉड टू द पावर एन. अब ये प्रॉपर्टी यूज करें सो पी ऑफ जेड मॉड इज ग्रेटर आर इक्वल टू जेड मॉड पावर एन माइनस ए एन माइनस 1 जेड मॉड टू द पावर एन माइनस 1 माइनस एंड सो ऑन माइनस ए वन मॉड इंटू जेड मॉड माइनस ए नॉट मॉड and this is equal to r to the power n minus a n minus 1 r to the power n minus 1 minus and so on minus a 1 mod r minus a naught mod. So this is equal to, ab agar hum r power n common le to this is 1 माइनस ए एन माइनस 1 मॉड आर पार माइनस 1 माइनस एंड सो ऑन माइनस ए नॉट मॉड आर पार माइनस एन. सो वी कंक्लूड दैट पी ऑफ जेड मॉड इज ग्रेटर आर इक्वल टू आर पार एन इंटू 1 माइनस ए एन माइनस 1 मॉड आर पार माइनस 1 माइनस एंड सो ऑन माइनस ए नॉट मॉड आर टू द पावर माइनस एन. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. डियर स्टूडेंट्स, यहां तक प्रूफ को रिविजिट करें. गिवन एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 है और शो हमने ये करना है कि दिस पॉलिनोमियल इज जीरो फॉर सम जेड. अब इसके लिए हमने अज्यूम किया कि इस पॉलिनोमियल का जो लार्जेस्ट पावर का कोफिशेंट है वो 1 है. जैसे मैंने पहले बताया कि ऐसा एज्यूम करने से जनरलिटी डिस्टर्ब नहीं होती बिकॉज आप ए एन कॉमन भी ले लें अगर ये नॉन जीरो है जैसे हमने स्टेट किया हुआ है तो फिर भी लार्जेस्ट पावर जो है हाईएस्ट पावर का कोफिशेंट 1 बनेगा. देन हमने एज्यूम किया कि म्यू इज द इनफिमम ऑफ पी ऑफ जेड. पी ऑफ जेड का मॉड कंसिडर किया
और इसके बाद इस पे ट्राइंगल इनइक्वालिटी यूज की। अब इसके बाद जब हम इसको सिंप्लीफाई किया विद जेड मॉड इक्वल टू आर और कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज यूज की, तो आर पार एन कॉमन आने के बाद ये रिजल्ट आ गया। क्लियरली राइट हैंड साइड ऑफ वन टेंड्स टू इन्फिनिटी एज आर अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। सो फॉर सफिशेंटली लार्ज आर, राइट हैंड साइड इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। सो देयर एग्जिस्ट सम आर नॉट सच दैट पी ऑफ जेड इज ग्रेटर देन म्यू फॉर जेड मॉड इज इक्वल टू आर नॉट। डियर स्टूडेंट्स, अब क्योंकि पी ऑफ जेड नॉट ग्रेटर देन म्यू है, यहां से ऑब्जर्व करें, सिंस पी ऑफ जेड मॉड इज कंटिन्यूस एंड जेड मॉड इज इक्वल टू आर नॉट इज ए डिस्क सेंटर्ड एट जीरो एंड रेडियस आर नॉट, सो बाय लेमा वन देयर एग्जिस्ट सम जेड नॉट सच दैट पी ऑफ जेड नॉट इज इक्वल टू म्यू। अब यहां पे ऑब्जर्व करें कि पी ऑफ जेड का मॉड ग्रेटर देन म्यू है और पी ऑफ जेड एज आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी को भी अप्रोच कर रही है। अब पी ऑफ जेड कंटिन्यूस है और ये कॉम्पैक्ट सेट पे डिफाइंड है, सो बाय लेमा वन देयर एग्जिस्ट सम जेड नॉट सच दैट पी ऑफ जेड नॉट मॉड इज इक्वल टू म्यू। दिस इज अवर इक्वेशन टू। वी क्लेम म्यू इज इक्वल टू जीरो। अब नोट करें कि अगर हम म्यू को जीरो शो कर देते हैं तो पी ऑफ जेड नॉट का मॉड जीरो होगा, इट मींस पी ऑफ जेड नॉट जीरो होगा। और इनफैक्ट हमने ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है जो पी ऑफ जेड का जीरो बने, तो थ्योरम प्रूव हो जाता है। सो अगर हम म्यू को जीरो प्रूव कर दें तो रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑब्टेन हो जाएगा। वी क्लेम म्यू इज इक्वल टू जीरो। On contrary, suppose mu is non-zero. In fact, mu is mod of p of z. Therefore, हमने assume किया है p of z का mod non-zero है. Consider the polynomial q of z which is p of z plus z naught divided by p of z naught. Clearly q of 0 is equal to 1 and q of z mod is equal to p of z naught plus z divided by p of z mod. Is greater or equal to 1. So there exists a smallest integer k, k lies between 1 and n, such that q of z is equal to 1 plus
बी के जेड पार के प्लस बी के प्लस वन जेड पार के प्लस वन प्लस एंड सो ऑन प्लस बी एन जेड एन। डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि क्यू ऑफ जीरो वन के इक्वल है, क्यू ऑफ जेड मॉड ग्रेटर आर इक्वल टू वन है, दिस इज इनफैक्ट ट्रू फॉर ऑल जेड, सो देयर एग्जिस्ट ए स्मॉलेस्ट इंटीजर के सच दैट के लाइज बिटवीन वन एंड एन, एंड क्यू ऑफ जेड जो है ये इस फॉर्म में होगा। रीजन ये है क्योंकि क्यू ऑफ जेड का मॉड ग्रेटर आर इक्वल टू वन होगा, सो दिस इज वन प्लस सम अदर नंबर, तो जिसको हमने ये पॉलिनोमियल से रिप्लेस कर लिया है बिकॉज क्यू ऑफ जेड एक पॉलिनोमियल है। अब इनफैक्ट क्यू ऑफ जेड क्योंकि इस टर्म को सेटिस्फाई करता है, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक रिजल्ट देखते हैं जो हमने इसमें अप्लाई करना है, देन बाय लेमा टू देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर थीटा सच दैट ई पार आयोटा के थीटा इंटू बी के इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी के मॉड। अब आपने ये चेक करना है कि ये लेमा टू से किस तरह लिंक हो रहा है। सो कंसीडर फॉर आर ग्रेटर देन जीरो, ये आर हम स्मॉल चूज कर रहे हैं सच दैट, इनफैक्ट जो हमने रिजल्ट चाहिए उसके लिए हमने आर इस तरह का नंबर चूज किया सच दैट बी के इंटू आर के मॉड इज लेस देन वन, सच दैट बी के मॉड इंटू आर पार के इज लेस देन वन, दैट इज वन माइनस बी के मॉड आर पार के इज ग्रेटर देन जीरो। कंसीडर वन प्लस बी के आर पार के ई पार आयोटा के थीटा, दिस इज इक्वल टू वन। डियर स्टूडेंट्स, अब ऑब्जर्व करें कि बी के ई पार आयोटा के थीटा इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी के मॉड, दिस इज ए इक्वेशन स्टेरिक, लिहाजा इक्वेशन स्टेरिक को यूज करें तो दिस इज वन माइनस बी के मॉड इंटू आर पार के यूजिंग स्टेरिक। अब नोट करें कि हमने वन माइनस बी के मॉड आर पार के को पॉजिटिव ट्रीट किया हुआ है, सो इसका मॉड वन माइनस बी के मॉड आर के ही आएगा सिंस वन इज ग्रेटर देन बी के मॉड इंटू आर पार के। लेट मी कॉल दिस इक्वेशन एज थ्री, वन प्लस बी के आर पार के ई पार आयोटा के थीटा। डियर स्टूडेंट्स, यहां तक स्टेप्स को हम रिविजिट करते हैं देन फाइनल स्टेप्स इस थ्योरम का। अलजेब्राइक कंप्लीटनेस ऑफ कॉम्प्लेक्स फील्ड, हमने ये प्रूव करनी थी कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में पॉलिनोमियल हो डिग्री एन की विद कॉम्प्लेक्स कोफिशेंट, तो इसका एटलीस्ट वन जीरो एग्जिस्ट करता है, दैट इज दिस पॉलिनोमियल इज जीरो फॉर सम जेड। अब इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हमने एक पॉलिनोमियल दी डिग्री एन की और एज्यूम कर लिया कि जो हाईएस्ट पार जेड पार एन का कोफिशेंट है वो नॉन जीरो है। देन हमने म्यू इनफिमम ऑफ मॉड ऑफ पी ऑफ जेड डिफाइन किया, और जब पी ऑफ जेड का मॉड फाइंड किया और ट्राइंगल इनइक्वालिटी यूज की तो हमारे पास ये इक्वेशन वन आ गई। अब इनइक्वालिटी वन ये शो कर रही है कि इसकी राइट हैंड साइड इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी एज आर अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, सो बाय दिस we can say that there exists some r naught such that p of z mod is greater than mu. ab p of z mod continuous hai, real valued bhi hai, defined hai ek compact set pe, that is a closed disk pe center at 0 and radius r naught,
सो लेमा वन एप्लीकेबल है, तो लेमा वन से एक कॉम्प्लेक्स नंबर से जेड नॉट एग्जिस्ट करेगा सच दैट पी ऑफ जेड नॉट मॉड इक्वल टू म्यू। अब हमारा क्लेम ये है कि म्यू की वैल्यू जीरो होगी। ऑन कंट्ररी हमने सपोज कर लिया कि म्यू नॉन जीरो है। अब इससे हमने एक पॉलिनोमियल डिफाइन की अगेन डिग्री एन की, क्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू पी ऑफ जेड प्लस जेड नॉट डिवाइडेड बाय पी ऑफ जेड नॉट, बिकॉज पी ऑफ जेड नॉन जीरो है सो इस वजह से हम इससे डिवाइड करेंगे। अब क्लियरली क्यू ऑफ जीरो फाइंड करें, जेड को जीरो सब्सिट्यूट करें तो पी ऑफ जेड नॉट और पी ऑफ जेड नॉट वन के इक्वल आ जाएगा, और इसका मॉड लें तो क्लियरली ये ग्रेटर देन वन आएगा फॉर ऑल जेड। सो हमने कहा देर एग्जिस्ट ए स्मॉलेस्ट इंटीजर के सच दैट, क्योंकि क्यू ऑफ जेड मॉड ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू वन है, सो क्यू ऑफ जेड मस्ट बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, बिकॉज पी ऑफ जेड नॉट एक नंबर है और पी एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन थी, सो इसकी डिग्री डिक्रीज नहीं होगी, बट क्यू ऑफ जेड का मॉड ग्रेटर आर इक्वल टू वन ये शो करता है कि क्यू ऑफ जेड हम इस फॉर्म में लेट कर सकते हैं वन प्लस सम अदर टर्म जेड पावर एन तक। अगेन लेमा टू अप्लाई किया तो एक रियल नंबर थीटा मिलेगा जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। इसके बाद हमने आर एक नंबर चूज किया सच दैट बी के मॉड आर पावर के इज लेस देन वन, और कंसिडर किया वन प्लस बी के आर पावर के ई पावर आयोटा के थीटा। प्रीवियस इक्वेशन स्टैरिक से वैल्यू फाइंड करके पुट की तो ये इक्वेशन थ्री आ गई। अब आपको ये कन्फ्यूजन हो रही होगी कि हमने ये इक्वेशन थ्री क्यों कंस्ट्रक्ट की, तो इसके लिए ये देखिएगा कंसीडर क्यू ऑफ आर ई पार आयोटा थीटा मॉड। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने क्यू ऑफ जेड डिफाइन की हुई है वन प्लस बी के एंड सो ऑन, सो इसमें आप जेड को आर ई पार आयोटा थीटा पुट करें, दैट इज पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पुट करें। सो वी हैव वन प्लस बी के, वन प्लस बी के आर ई पार आयोटा थीटा टू द पार के प्लस बी के प्लस वन आर ई पार आयोटा थीटा टू द पार के प्लस वन प्लस एंड सो ऑन प्लस बी एन आर ई पार आयोटा थीटा होल टू द पार एन। अब क्योंकि यहां पे एन नेचुरल नंबर है, के भी नेचुरल नंबर है, सो डिमॉव थ्योरम एप्लीकेबल है, सो बी के आर के ई पार आयोटा के थीटा प्लस बी के प्लस वन आर पार के प्लस वन ई पार आयोटा के प्लस वन थीटा अप टू सो ऑन प्लस बी एन आर एन ई पार आयोटा एन थीटा मॉड। अगेन आप इन फर्स्ट टू टर्म को वन ट्रीट करते हुए, वन टर्म ट्रीट करते हुए ट्राइंगल इनइक्वालिटी यूज कर दें, सो दिस इज लेस देन आर इक्वल टू वन प्लस बी के आर के ई पार आयोटा के थीटा प्लस बी के प्लस वन मॉड आर पार के प्लस वन इंटू मॉड ऑफ ई पार आयोटा के प्लस वन थीटा प्लस अप टू सो ऑन प्लस बी एन मॉड आर पार एन ई पार आयोटा एन थीटा मॉड, अगेन बाय ट्राइंगल इनइक्वालिटी। सो स्टूडेंट्स यहां ऑब्जर्व करें कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी की कितनी इंपॉर्टेंस है किसी भी अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स को सॉल्व करने के लिए। अब नोट करें कि हमने इक्वेशन थ्री में प्रूव किया हुआ है कि वन प्लस बी के आर के ई पार आयोटा के थीटा इज इनफैक्ट वन माइनस बी के मॉड आर पार के, सो दिस इज इक्वल टू वन माइनस बी के मॉड आर पार के प्लस बी के प्लस वन मॉड आर पार के प्लस वन ई पार आयोटा थीटा का मॉड वन हो जाएगा प्लस अप टू सो ऑन बी एन मॉड इंटू आर पार एन। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर इन सारी टर्म में से हम
आर पार के कॉमन ले लें. दिस इंप्लाइज क्यू ऑफ आर ई पार आयोटा थीटा मॉड इज लेस देन आर इक्वल टू वन माइनस आर टू द पार के, हम कॉमन ले रहे हैं. सो इन साइड वी हैव बी के मॉड, बी के मॉड एंड देन नेगेटिव ऑफ बी के प्लस वन इंटू आर, बी के प्लस वन मॉड इंटू आर माइनस एंड सो ऑन बी एन मॉड इंटू आर टू द पावर एन माइनस के. फॉर सफिशियंटली स्मॉल आर द टर्म इन स्क्वेयर ब्रैकेट इज पॉजिटिव. दिस इंप्लाइज क्यू ऑफ आर ई पार आयोटा थीटा मॉड इज लेस देन वन, बिकॉज ये टर्म पॉजिटिव है. सो वन माइनस सम पॉजिटिव टर्म नंबर लेस देन वन होगा, और क्यू आर ई पार आयोटा थीटा का मॉड उस नंबर से भी लेस है, सो मस्ट लेस देन वन होगा. अ कंट्राडिक्शन, बिकॉज हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि क्यू ऑफ जेड मॉड इज ग्रेटर आर इक्वल टू वन फॉर ऑल जेड. सो पी ऑफ जेड नॉट मॉड इज इक्वल टू जीरो, सिंस म्यू जीरो हो जाएगा इस केस में, एंड दिस इंप्लाइज पी ऑफ जेड नॉट इक्वल टू जीरो. तो ये हमारा टारगेट था. डियर स्टूडेंट्स, अब मेन मेन स्टेप्स में फिर बताता हूँ, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड थ्योरम है. हमने शो ये करना था कि अगर हम एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन लें इन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, तो देन दिस पॉलिनोमियल हैज एट लीस्ट वन जीरो. अब हमने एक पॉलिनोमियल ली और उसके इन्फीमम का मॉड का जो इन्फीमम है उसको म्यू डिक्लेयर किया. अब पी ऑफ जेड का मॉड हमने सिंप्लीफाई किया तो इन इक्वालिटी वन आई हमारे पास. अब क्योंकि राइट हैंड साइड हमने कहा था इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, जैसे ही आर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा सो पी ऑफ जेड मॉड मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू. अब पी ऑफ जेड कॉन्टीन्यूस भी है इन ए डिस्क सेंटर्ड एट जीरो एंड रेडियस आर नॉट, सो बाय लेमा देयर एग्जिस्ट सम नंबर इन दिस डिस्क से जेड नॉट सच दैट पी ऑफ जेड नॉट मॉड इक्वल टू म्यू. अब हमारा क्लेम ये था कि म्यू मस्ट जीरो होगा. ऑन कंट्ररी हमने सपोज किया कि म्यू नॉन जीरो है. देन हमने एक पॉलिनोमियल डिफाइन की क्यू ऑफ जेड और इसकी प्रॉपर्टीज हमने चेक की, तो क्यू ऑफ जेड की शेप वन प्लस बी के जेड के एंड सो ऑन बी एन जेड एन फॉर्म में आएगी. इसको मैंने इन डिटेल डिस्कस किया है. देन हमने लेमा टू यूज किया और उसके बाद हमने क्यू ऑफ आर ई पार आयोटा थीटा यानी पोलर फॉर्म ऑफ जेड लेकर इसको सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास रिजल्ट ये आया कि क्यू ऑफ आर ई आयोटा थीटा का मॉड लेस देन वन आएगा. ये कॉन्ट्राडिक्शन है क्योंकि क्यू ऑफ जेड का मॉड ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू वन है, ये हम पहले बता चुके हैं. सो पी ऑफ जेड मॉड मस्ट बी जीरो, इट मीन्स पी ऑफ जेड नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अदर देन जीरो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा नहीं है जिसका मॉड जीरो हो. सो पी ऑफ जेड नॉट मॉड अगर जीरो है तो पी ऑफ जेड नॉट भी जीरो होगा. डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर. आज के लेक्चर में स्टार्ट में हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का जो इनवर्स फंक्शंस था दैट इज लॉगरिथमिक फंक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की, और उसके बाद हमने एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस किया विच इज अल्जेब्रिक कम्प्लीटनेस ऑफ कॉम्प्लेक्स फील्ड, जो ये शो करता है कि अगर हमारे पास एक नॉन कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन हो इन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, तो ऐसी पॉलिनोमियल्स का मस्ट एट लीस्ट वन जीरो एग्जिस्ट करेगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट गामा फंक्शन और इसकी प्रॉपर्टीज के. टिल देन अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.